जैसे ही आप पक्षी शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? हवा में उड़ने वाले छोटे पक्षी, पंख फैलाए छोटे जीव, क्यों मैंने सही कहा ना? लेकिन आज आप इस वीडियो में जिन पक्षियों के बारे में जानने वाले हो वे बड़े ही खतरनाक है, यहाँ तक कि वे इंसानों की भी जान ले सकते हैं। नंबर वन, म्यूट स्वान। दोस्तों, म्यूट स्वान दिखने में बहुत ही सुंदर होती है। ये हंस यूरेशिया के अलावा उत्तरी अमेरिका में भी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। आकार में ये हंस बहुत ही बड़े होते हैं और इनके मुख्य हथियार इनके पंख होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं। वैसे तो ये बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं, पर जैसे ही इन्हें किसी चीज से खतरा महसूस होता है तो ये दूसरे हंसों की तरह उस खतरे से दूर नहीं भागती है। वे अपने दुश्मनों पर हमला कर बल्कि वापस दुगनी ताकत से हमला करती है। ये हंस अपने दुश्मनों पर हमला अपने पंखों से करती है जो 7 फीट तक लंबे फैले होते हैं। जब तक कि दुश्मन लौट न जाए ये उन पर चोंच से और पंखों से वार करती रहती है और उन्हें दूर भगाने की कोशिश करती है। माना जाता है कि गुस्से में किया गया इनका एक वार हड्डी तक तोड़ सकता है। तो आप खुद ही सोच लीजिए ये कितने खतरनाक हो सकते हैं और ये छोटे बच्चों पर हमला करते ज्यादा देर भी नहीं करते हैं। मतलब जैसे ही इन हंसों को कोई बच्चा देखा तो ये उस बच्चे के पीछे लग जाती है। नंबर दो, हर्पी ईगल। दोस्तों, बाज कितने खतरनाक होते हैं आप में से हर कोई ये तो जानता ही होगा, क्योंकि दोस्तों बाज इंसान की आंखें तक निकाल लेता है और इन बाजों में से सबसे खतरनाक होता है हर्पी ईगल। हर्पी ईगल जिसे किंग ऑफ स्काई कहा जाता है। दोस्तों, इन्हें करीब से देखने पर ऐसा लगता है कि ये कोई बाज नहीं बल्कि इंसान है, क्योंकि इनका चेहरा होता ही कुछ ऐसा है। आप खुद ही देख लीजिए। ये पक्षी बहुत ही ज्यादा गुस्सेल प्रवृत्ति का होता है और इनके मुख्य हथियार इनके बड़े बड़े पंजे होते हैं जो 3 से 4 इंच के होते हैं, जो पंजे बालों के पंजे से भी बड़े होते हैं। ये इतने ताकतवर होते हैं कि ये एक बड़े बंदर या इंसानी बच्चे को भी अपने पंजे में लेकर उड़ सकते हैं। ये लगभग 8 किलो तक का वजन उठा सकते हैं और एक बार इनके पंजे में फंसने के बाद उस शिकार का निकल पाना लगभग नामुमकिन ही है। नंबर 3, केसोरी। इसका नीले रंग का सिर बहुत ही सुंदर लगता है, पर आपको बता दें कि केसोरी संसार की सबसे खतरनाक चिड़िया है। इसके पैरों के अंगूठों में अंदर की ओर छुरे जैसा एक पंजा होता है जिससे ये आदमी के पेट को आसानी से चीर सकती है। अपने चाकू जैसे पंजे से ये आदमी की हत्या भी कर सकती है। ये चिड़िया न्यू गायना और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में पाई जाती है। आपको बता दें कि ये चिड़िया बहुत ही कम दिखाई देती है, लेकिन इसकी आवाज अक्सर सुनाई पड़ती है। ये उड़ नहीं सकती क्योंकि इसका आकार बहुत ही बड़ा होता है, लेकिन ये बहुत ही तेज दौड़ती है। झाड़ी वाले जंगलों में इसकी रफ्तार 48 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो जाती है और केसोरी की ऊंचाई 1.8 मीटर तक तथा वजन 80 किलोग्राम या उससे ज्यादा भी हो सकता है। दोस्तों, केसोरी को गुस्सा आने पर ये सीधा हमला करती है और अपने शत्रु को जोर जोर से पंजा मारती है। अपने पैरों के तेज धार वाले नाखूनों से ये उस शत्रु को फाड़ डालती है। दोस्तों, अपने पैरों के इसी प्रकार के आक्रमण के कारण ये चिड़िया अनेक लोगों की जान भी ले चुकी है। नंबर 4, यूरोपीय हेरिंगगुल। खूबसूरत दिखने वाला ये पक्षी बहुत ही खतरनाक है। ये पक्षी सबसे ज्यादा इंसानों पर हमला करता है। हम मानता हूँ कि ये छोटा है, लेकिन कहता ना कि छोटा पैर बड़ा धमाका, ये कुछ वैसा ही है। यूरोपीय हेरिंगगुल पक्षी इतना खतरनाक होता है कि ये दूसरे पक्षियों और जानवरों से लड़ने की हिम्मत रखता है। इस पक्षी के पंजे और चोंच बहुत ही पहने होते हैं जो किसी को भी जान से मारने में सक्षम होते हैं। नंबर 5, अफ्रीकी शुतुरमुर्ग। मुख्य रूप से अफ्रीका में पाए जाने वाला ये शुतुरमुर्ग बिना उड़ने वाला पक्षी है। ये पक्षी दुनिया का सबसे बड़ा और तेज दौड़ने वाला पक्षी है। शुतुरमुर्ग पक्षी के पैर इतने लंबे होते हैं कि ये अपने पैरों के कारण 1 घंटे में 60 से 70 किलोमीटर दौड़ सकता है। इसकी ऊंचाई 8 से 9 फीट तक होती है और ये पक्षी अपना संतुलन बनाए रखने के लिए अपने पंजों का इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दें कि शुतुरमुर्ग एक ऐसा पक्षी है जो हवा में नहीं उड़ सकता, क्योंकि इसका शरीर बहुत ही बड़ा और भारी होता है। इसी कारण एक शुतुरमुर्ग की ऊंचाई करीब 2.8 मीटर तक पहुंच जाती है और वजन तकरीबन 160 किलो तक पहुंच जाता है। तो फिर सोच ही सकते हैं कि ये पक्षी कितना खतरनाक हो सकता है। तो ये था आज का हमारा ये वीडियो। आपको इन पक्षियों में से सबसे ज्यादा कौन सा खतरनाक लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।